महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिसे लेकर थाने जिला चुनाव अधिकारी जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर के निर्देश पर जिले में अनेक तरह की सुविधा से निर्मित मतदान केंद्रों का निर्माण देखने को मिला, तो वहीं थाने में गाजे बाजे के गूंज से बनी सखी मतदान केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों व युवाओं के साथ साथ विशेष सुविधा दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया हुआ रहा। तो वहीं चुनाव अधिकारियों ने मतदान करने वाले मतदाताओं को तुलसी का वृक्ष उपहार स्वरूप भेंट किया। आप देख रहे हैं HNI लाइव, हर खबर के साथ थाने से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। आता अपन 7 मतदान केंद्र के लिए कशी काय व्यवस्था केली आणि दिव्यांगांची व्यवस्था कशी? 6 सखी मतदान केंद्र केलेले आहेत आपण या ठिकाणी। 6 सखी मतदान केंद्र केलेली आहेत। 6 सखी मतदान केंद्रामध्ये सर्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आणि बाकीचे जे काही मतदान अधिकारी आणि कर्मचारी राहतील हे सगळं महिला त्या ठिकाणी काम करत आहेत। संपूर्ण मतदानाची जी प्रक्रिया ही महिलांच्या हातून या ठिकाणी पार पाडली जाणार आहे। आज विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मतदानाचा दिवस आहे। सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 सर्व ठाणेकर मतदारांनी सहकुटुंब जाऊन जे मतदार असतील त्यांनी भरभरून आज मतदान करावं। सर्वांना मतदानासाठी मी आवाहन करत आहे। तो वही ठाणे जिले के कलवा मुंब्रा में विधानसभा मतदान केंद्र से नाराज दिव्यांग मतदाताओं ने कलेक्टर के इंतजाम पर उठाए सवाल। मोहम्मद यूसुफ फारूक खान नाम मेरा। मैं मुझे जिस तरह से चुनाव आयोग कलेक्टर साहब ने बताया था कि दिव्यांगों को इस बार मतदान भी करने के लिए मतदान केंद्र पर हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मगर मैंने सुबह से जब सर्वे चालू किया हूँ यहाँ तक जहाँ मेरा पोलिंग केंद्र है, जहाँ पे मेरे को पोलिंग करना है 257 नंबर आदर्श विद्यालय, वहाँ पर इस तरह का मजाक किया गया है दिव्यांगों के साथ में। एक खाली प्लाईवुड लगाई गई है, बाजू में रेलिंग भी नहीं है। इवन मैं तो गिरा और बाकी लोग भी गिरे चढ़ने वाले, मतलब वो दिव्यांगों के लिए रैम नहीं था, वो दिव्यांग बनाने का रैम था, वो दिव्यांग अच्छे खासे व्यक्ति को दिव्यांग बनाने का रैम था। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है दिव्यांगों को, और आज ये दिव्यांगों के हक के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलने जाते तो उनको सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है। आज आपने देखा रहेगा जिस तरह से फैजान किस तरह तकलीफ उठा के पहाड़ के ऊपर जाके वोटिंग करके आया, उसको खुशी है। आज त्यौहार मनाना, मगर हमको त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता है। सिर्फ इन लोग जो गवर्नमेंट है, सरकार है, कलेक्टर है, ये भी बड़ी बड़ी बातें वादे करते हैं कि दिव्यांगों, एक्चुअली में आज इनका एक हो गया दिव्यांगों के नाम पे पैसा निकालने का इनका ये धोरण हो गया है। ये दिव्यांग नाम पे पैसा कैसा कि रैम बनाते हम लोग ये करते वो करते, ऐसा कुछ नहीं। आके देखो आप 257 का एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आके देखो रैम किस तरह से बना हुआ है। मेरा नाम सैयद फैजान मेहदी है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है वोटिंग करने का। हाथ नहीं होने के बावजूद आपने वोट किस प्रकार की है, आपने किस तरीके से वोटिंग की है? अपने पैरों से क्या, पैर पे निशान है। चालू रखो। हाँ, तो कहना ये था कि गवर्नमेंट चाहिए था कि जितने हैंडीकैप है कम से कम उनके लिए ऐसी जगह उपलब्ध कराते जहाँ पे सारे हैंडीकैप कम से कम आसानी से पहुँच सकते। वो उतनी ऊंचाई पे है, मेरा तो पूरा पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं पापा के साथ चला गया। लेकिन जिन लोगों के पैर में तकलीफ है उन लोगों के लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं फर्स्ट टाइम जाके वोट दे दिया, अच्छा लगा। वोट करने, वोट तो हमारा अधिकार है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन सरकार जो काम है उनको कम से कम हैंडीकैप के लिए सही जगह उपलब्ध करानी चाहिए।